नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से बताई। आज इस टॉपिक में हम सोलर पॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो सोलर पॉन्ड आपके लार्ज एरिया के पॉन्ड होते हैं या फिर आपके लेक होते हैं, जिससे पुराने समय में ये मैन मेड होते थे और अब आज इस समय में ये आपके आर्टिफिशियल भी बनाए जाने लग गए हैं। तो जो आपका सोलर पॉन्ड है वो बेसिकली आपके सेल एंड वाटर के ऊपर वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर देखते हैं। यहाँ आपके टर्बाइंस लगे होते हैं और इस टर्बाइन से आपका जनरेटर कनेक्ट होता है। और ये जनरेटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आपका कंडेंसर लगा होता है। ये है आपका सोलर पॉन्ड। ये आपके कूलिंग टावर होते हैं। जो सोलर पॉन्ड होता है वो आपके लार्ज एरिया के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं या फिर पॉन्ड या लैक। इसमें आपका वाटर फिल होता है और ये आपका जो वाटर होता है हाई सेल लाइन वाटर होता है। ये जो आपके सोलर पॉन्ड होते हैं, ये जो आपका सन रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन को आपके पॉन्ड में जो हाई सेलेनाइन वाटर फिल होता है वो सोलर रेडिएशन को कैप्चर करता है और जैसे जैसे इसकी डेप्थ बढ़ती जाती है, जो आपका पॉन्ड है या लैक है उसकी जैसे जैसे डेप्थ आपकी बढ़ती जाती है, जो वाटर का सेलिनिटी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हमारा, वो भी क्या होता है आपका बढ़ता जाता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपका डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। तो जो बॉटम में आपकी जो बॉटम की लेयर होती है वहाँ पर आपका जो वाटर होता है हाई सेलिनिटी वाटर होता है और जो ऊपर की लेयर होती है वो आपकी फ्रेश वाटर की होती है। यहाँ पर आपका बीच में एक माइल्ड कंसंट्रेशन जोन आता है।
तो जैसे ही आपका वाटर हीटअप शुरू होना होता है तो जो सेलरिडेशन है वो आपका फ्रेश वाटर पहले अटैक करता है, फिर धीरे धीरे डेप्थ तक जाता है जहाँ पर जो आपका सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, और जो आपका पॉन्ड होता है उसकी सरफेस ब्लैक कलर से पेंटेड कर दी जाती है जिससे वो एनर्जी को ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर जो सेलनाइन वाटर आपका होता है सोलर रेडिएशन के द्वारा जब इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है, और जो आपका फ्रेश वाटर होता है उसका इनिशियल टेम्परेचर जो आता है आपका वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब ये टेम्परेचर सोलर रेडिएशन थ्रू जब आपका ये वाटर गर्म होते होते 90 डिग्री सेंटीग्रेड पा जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वर्क करता है। यहाँ पर जो आपका पूरा साइकिल यूज होता है ये आपका रैंकाइन हीट साइकिल या हीट इंजन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपका जो हाई सेलनाइन वाटर होता है ये जब हीटअप होना शुरू होता है तो इसके द्वारा जो आपका फ्रेश वाटर होता है यहाँ पर आपका जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है लो, और यहाँ पर आपका हाई कंसंट्रेशन होता है जिसकी वजह से लो सॉल्ट कंसंट्रेशन तक कन्वेक्शन आपका बहुत माइल्ड होता है। तो आपका यहाँ पर माइल्ड कंसंट्रेशन जो होता है तो ये जो आपका फ्रेश वाटर है वो एक तरह से इंसुलेटेड ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है और हीट का लॉस कम से कम होने देता है, और जो आपकी एनर्जी है ये सरफेस जोन होता है आपका ऊपर वाला फ्रेश वाटर का ये क्या करता है रेडिएशन को कैप्चर करता है कलेक्ट करता है, और ये आपका स्टोरेज जोन होता है जो आपका नीचे का एरिया होता है वो आपका स्टोरेज जोन होता है। यहाँ पर आपकी हीट स्टोरेज होती है यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है कंपेयर देन टॉप लेयर। इसके बाद इसमें क्या होता है ये पूरा जो सोलर पॉन्ड होता है वो आपके कंसंट्रेशन सॉलिडिटी के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर वर्क करता है, और ये जो सॉलिडिटी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये आपका वर्टिकली वर्क करता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपका वाटर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप होना शुरू हो जाता है तो यहाँ से आपका वाटर बॉयलर्स में जाता है जिससे जो हीट वाटर जो वाटर की आपकी हीट होती है वो क्या करती है जो आपके ऑर्गेनिक फ्लूड्स होते हैं ऑर्गेनिक वर्किंग फ्लूड यहाँ पर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक वर्किंग फ्लूड क्या होते हैं आपके वेपराइज होने लग जाते हैं, और यहाँ से फिर आपका जो वर्किंग फ्लूड होता है जब वो वेपराइज होता है तो वो एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो उस प्रेशर जब वो एक दबाव बनाता है उस पर वो ऑर्गेनिक फ्लूड जब आपका हीटअप हो जाता है यहाँ पर तो जब वो एक दबाव बनाता है तो उस दबाव के कारण प्रेशर एग्जर्शन के कारण आपका टरबाइन क्या होता है मूव होने जाता है, और टरबाइन के थ्रू आपका जनरेटर मूव होता है जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। इसके बाद जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो यही जो वाटर होता है जिसका टेम्परेचर जिसके थर्मल एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद ये वाटर आपका जो आपका हाई सेलनाइन वाटर होता है ये वाटर आपका कंडेंसर में जाता है जहाँ पर ये आपका जो वेपर्स होती हैं जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑर्गेनिक फ्लूइड वो वेपराइज होने लग जाता है तो वो वेपर्स क्या होती हैं फिर कंडेंसर में जाके कंडेंस होने लग जाती हैं, और फिर कंडेंस होने के बाद वो वेपर जो लिक्विड हो जाता है जो वेपर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड फिर कूलिंग टावर में जाता है और फिर वहाँ से ठंडा होकर दोबारा कंडेंसर के थ्रू दोबारा से आपका सोलर पॉन्ड में वापस रिसाइकल हो जाता है, और फिर सोलर रेडिएशन के टाइम में डे टाइम में यानी दिन के समय में आपका फिर से वाटर आपका गर्म होता है और जो सेलिनिटी है वो आपकी बॉटम लेयर में इंक्रीज होती जाती है और इसी तरह से फिर से आपका ये सोलर पॉन्ड वर्क करता है। तो ये आपका सोलर पॉन्ड की वर्किंग थी।